हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी ई ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीएस 1 सेक्शन 2 पार्ट जो करंट अफेयर का सेक्शन है उस बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको अभी तक जो सेक्शन बताए हैं जीएस 2 के, उसी के आगे का ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न क्या हैं बीपीएससी के। तो ये क्योंकि इस करंट अफेयर का पार्ट है तो बहुत ही डायनेमिक है, आपको जो इश्यूज हैं करंट वाले वो पिक करने पड़ेंगे, उसके बारे में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सवाल पहले पूछा जा चुका है वो तो सवाल आएगा नहीं इसमें। तो इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनेशनल इश्यूज, जो पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, फिर आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर। तो देखते हैं कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और इसी बेसिस पे किस तरह के सवाल आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल इश्यूज़ में जो टॉपिक पूछा गया है पहले, वो है डोकलाम इश्यूज़ का। पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको ये भी बताऊँगा क्यों पूछा गया है कि देखिए, डोकलाम इश्यूज़ पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। आपको कम से कम 2-3 महीने तक रोज़ न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ में इसको दिखाया जाता था। फिर आपका यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक तरह से एक जो न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहे थे लोग, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पिछले साल का, इसलिए इसको क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप रोहिंग्या वाला जो इशू हुआ था, आपको याद होगा कैसे जो रोहिंग्या म्यांमार के जो रोहिंग्या लोग थे वो बांग्लादेश माइग्रेट कर रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका बिम्स्टेक का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बिम्स्टेक की जो मीटिंग हुई थी वो कैसे अब इंडिया जो है वो सार्क को साइडलाइन करके बिम्स्टेक को आगे बढ़ाना चाह रहा है। फिर रोहिंग्या क्राइसिस डायरेक्ट पूछा गया था। फिर आपका जो 2+2 डायलॉग पिछले साल का पूछा गया था, जैसे इंडिया और अमेरिका में जो 2+2 डायलॉग हुआ है, जो भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो और अमेरिका के जो सेक्रेटरी लोग होते हैं वो लोग बैठे थे, तो ये क्यों हुआ था इसके बारे में डिटेल सवाल पूछा गया था। फिर इंटरनेशनल टेररिज्म, तो हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे। तो देखिए, इसी तरह के आगे का पैटर्न हम लोग सोच सकते हैं कि इस साल क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में जो करतारपुर प्रोसेस, अभी जो पिछले 2-3 महीने के पहले की न्यूज है, तो ये जो करतारपुर प्रोसेस हुआ था इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये कैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसको ईज कर सकता है या एक तरह से सॉफ्ट कर सकता है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। फिर आपका है अफगानिस्तान पाकिस्तान टॉक। देखिए, अफगानिस्तान यूएसए टॉक, कि कैसे तालिबान अफगानिस्तान और यूएसए रसिया मिल के, जैसे अभी क्या है कि यूएसए अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है तो वो तालिबान के साथ बातें कर रहा है, तो ये क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, अब ये अफगानिस्तान को कैसे फ़ायदा हो सकता है, या इंडिया पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंडिया का क्या रोल है, अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग इसके डायमेंशन हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, अक्सर उसमें 3-4 सवाल जुड़े रहते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आपको अगर कोई टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं तो उसके बारे में अलग अलग डायमेंशन से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर वेनेजुएला क्राइसिस जो भी चल रहा है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि इंडिया पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके सवाल भी बन सकते हैं। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड टॉपिक है जो आपका पॉलिटिकल इशूज़ को। देखिए, पॉलिटिकल इशूज़ में जो सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको पहले बता दूँ, NRC पे सवाल पूछा गया है। फिर आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फॉर पंचायत पे क्वेश्चंस पूछा गया है पहले, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे सवाल पूछा गया है। तो उसी तरह की जो पिछले 6-7 महीने का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो बड़े पॉलिटिकल इश्यूज जो इंडिया में हुए हैं, उसमें इकोनॉमिक रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है, फिर सिटीजनशिप बिल को लेकर डिबेट हुआ है, फिर CBI क्राइसिस को लेकर भी देखिए बहुत डिबेट चल ही रहा है, तो कैसे CBI केस पैरोट बन के रह गया, तो ये आपको इसके बारे में अलग अलग तरह से जो बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं उसके पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे मेनली। फिर है इकोनॉमिक इश्यूज क्या है अभी के, तो पहले जो सवाल पूछे गए थे ऑब्वियस है कि डिमोनेटाइजेशन पूछा ही जाएगा, GST पूछा ही जाएगा, चाहे 2-3 साल पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था वो रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन को पे सवाल पूछे गए थे, तो इस साल पे आप इसी तरह से आप देख सकते हैं जो PM किसान जो है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट आया है कि हम डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, तो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस पे इस साल।
फिर लोन वेबर स्कीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी से, कि कैसे अलग अलग स्टेट अब लोन वेबर स्कीम्स लेकर आ रही है, किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है, तो क्या ये सही तरीका है क्या एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए, जो एग्री क्राइसिस इंडिया में चल रहा है, जो फार्म क्राइसिस चल रहा है, तो उसके क्या क्या बहुत सारे सॉल्यूशंस है, उसमें से एक सॉल्यूशन है लोन वेबर का, तो और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर सवाल बन सकता है। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे जो मेनली सवाल बनते हैं वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर, तो इस साल भी आप वही कीजिए कि आप क्लाइमेट चेंज पर नोट्स बनाइए, अच्छा एयर पॉल्यूशन पे एक अलग से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हर साल विंटर के सीजन में आपका दिल्ली में देखते हैं एयर पॉल्यूशन का जो बातें हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगता है, डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल छपते हैं पेपर में, तो इस पर भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है ये। फिर आपका बिहार स्पेसिफिक साइंटिफिक डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं बिहार में, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, या स्टेट ऑफ फाइनेंस इन बिहार पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से इस साल जो पूछा जा सकता है वो मुजफ्फरपुर जो सेल्टर केस जो भी चल रहा है इसका ट्रायल, तो मुजफ्फरपुर सेल्टर केस पिछले साल का बिहार में बहुत ही ज़्यादा एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पर सवाल पूछे ही जाएंगे ज़रूर से। फिर आपका स्कीम्स फॉर गर्ल्स इन बिहार, बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है क्वेश्चन पूछने का, तो इस पर भी आप नोट्स बनाइए अच्छे से। और आप अभी तक क्या है कि देखिए अभी आने वाले टाइम है, अभी 2-3 महीने टाइम है मेंस एग्जाम में, तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, अलग अलग जो इशू जिस पे ज़्यादा डिबेट होता है, जो कि क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो बड़े टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़े इशूज़ होते हैं जिस पे ज़्यादा डिबेट होता है देश में, रोज़ आर्टिकल छपते हैं, रोज़ आपको प्राइम टाइम पे उसके बारे में डिस्कशन देखा जाएगा मिल जाएगा, तो ये उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप महीने के 3-4 इशूज़ ही पढ़िए, मगर उसको डेप्थ में पढ़िए, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं उसके पढ़िए, तो